Subscribe my channel and press the bell icon for never miss an another update. फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्थ कनाबर एन एजुकेटर। यहाँ पे हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 5th एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। कुछ फॉर्मूला हमें याद रखने होंगे, उसके अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसका टोटल आपकी फाइनल एग्जाम में मार्क्स वेटेज है 5 मार्क्स। बहुत ही ईजी चैप्टर है। पहले हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द थियरी नोट्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम केवल ही थियरी नोट्स देखेंगे, थियरी नोट्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डिफाइनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डिफाइनेट रूल्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। दैट मीन्स जो भी नंबर्स है उसे प्रॉपर अरेंजमेंट विद देयर डिफाइनेट ऑर्डर देने के बाद कुछ डिफाइनेट रूल्स अप्लाई हो सके तो उसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कह सकते हैं। सपोज वी हैव टेक एन एग्जांपल, आपकी स्कूल में आपका जो भी रोल नंबर है वो प्रॉपर ऑर्डर में प्रॉपर डिफाइनेट रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज होता है, जैसे कि आपके नेम वाइज, आपके फादर के नेम वाइज, आपके सरनेम के सरनेम वाइज, तो वो जो भी है उसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कह सकते हैं। सपोज आपके स्कूल में जो भी हेल्थ चेकअप होता है तो उसमें आपकी हाइट मेजर होती है, तो किसी बच्चे की हाइट है वो 10th क्लास में 147 मीटर होगी, 150 सेंटीमीटर होगी, 148 सेंटीमीटर होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा है तो उसका हाइट के अकॉर्डिंग उसका मेजरमेंट लोगे तो उसे आप क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस कह सकते हैं। नाउ वी गिव द डेफिनेशन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो भी सीक्वेंस है जो प्रॉपर ऑर्डर में है, कुछ डिफाइनेट रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। The short form of an arithmetic progression is given by AP. In our next discussion, we just use this short form of arithmetic progression as a form of AP, a sequence in which the common difference between successors and predecessors will be constant. जो भी sequence है उसमें successor यानी आगे का, predecessor means पीछे का, जो भी कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कोई फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, तो ही उस सीक्वेंस को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में ले सकते हैं। दैट मींस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय a, a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इस कॉन्स्टेंट, इस फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस की सिंबल है स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस डी हैविंग सिंपल फॉर्मूला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इन दिस गिवन एपी सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा। द कॉमन डिफरेंस डी हैज 3 डिफरेंट वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नाउ वी गिव द फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एन एपी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल सा फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए एन इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। ए एन है उसके अकॉर्डिंग आप एपी में से, इन द गिवन एपी जो भी क्वेश्चन में, जो भी सम में आपको एपी दिया हुआ है उसमें से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके। ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। एपी में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उसके नंबर डिफाइन करता है एन। डी इज द कॉमन डिफरेंस, अभी हमने पढ़ा। डी इज डिफाइंड एज द सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म है जिसे हम कॉमन डिफरेंस डी कह सकते हैं। ओके, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।